ये मेक्सिको है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा कोक पी जाती है। 800 लीटर कोक हर साल एक इंसान यहाँ पीता है, यानी इस टैंक जितनी कोक हर एक साल। यहाँ कोक इनके कल्चर में इतनी घुस चुकी है कि ये एक बूढ़ा इंसान जिसे टाइप 2 डायबिटीज है वो इस औरत के पास आया है ताकि ये औरत इसके ठीक होने के लिए भगवान से पूजा कर सके। और ये औरत भगवान को कोक चढ़ाती है और पूजा के बाद इस आदमी को प्रसाद के लिए कोक देती है, ये बोलकर कि इससे ये इंसान ठीक हो जाएगा। जबकि इतनी ज्यादा स्टडीज हो चुकी है जो ये प्रूव करती है कि मेक्सिको में मैक्सिमम लोगों को टाइप 2 डायबिटीज इन शुगरी ड्रिंक की वजह से है। ये सब जानते हुए भी मेक्सिको गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि कोका कोला का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मेक्सिको में बहुत ज्यादा है और यहाँ पर पानी कम और कोक ज्यादा। अगर हम सोच रहे हैं कि हाँ कोका कोला मेक्सिको में ये सब कर सकती है लेकिन अपने खुद के देश अमेरिका में नहीं कर सकती जिनका पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग है, तो हम गलत सोच रहे हैं। अगस्त 28, 1941 वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान यूएस ने डिसाइड किया कि वो अपने सिटीजन को सिर्फ 907 ग्राम शुगर देगी हर महीने, क्योंकि उस टाइम पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक किया था और यूएस को अपना मैक्सिमम सामान अपने सोल्जर्स को देना था, ना कि सिटीजन को। अब इस डिसीजन की वजह से कोका कोला खतरे में आ गई क्योंकि चीनी के बिना कोई कोका कोला नहीं पिएगा। बेन ओइलर्ड जो कि अमेरिकन लॉयर थे, उन्होंने यूएस वॉर डिपार्टमेंट को कन्विंस किया कि इस रेशनिंग लॉ के बावजूद उन्हें शुगर मिलती रहे और कोका कोला को कपड़े और वेपन्स की तरह वॉर एसेंशियल्स की कैटेगरी में डाला जाए। एंड गेस व्हाट, यूएस के सिटीजन को तो नहीं लेकिन कोका कोला को शुगर मिलती रही और वॉर में सोल्जर्स को बाकी इंपॉर्टेंट चीजों के साथ कोका कोला मिलना भी स्टार्ट हो गई। इवन यही नहीं, द कॉस्ट ऑफ शिपिंग एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लांट्स ऑफ कोका कोला वर आल्सो पेड बाय यूएस गवर्नमेंट। कोका कोला ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कोका कोला दुनिया में अमेरिकन कल्चर को आगे बढ़ा रही है और पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म जैसी भावनाओं के साथ उसे जोड़ के देखना चाहिए। पूरी दुनिया में इस वजह से 64 नए प्लांट्स बने जिसकी वजह से 500 करोड़ से भी ज्यादा ड्रिंक्स यूएस आर्मी द्वारा पी गई, और वो भी सिर्फ वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान। इसके अलावा कोका कोला ने यूएस के दुश्मन देश यानी नाजी गवर्नमेंट जर्मनी को भी 1,00,000 से ज्यादा कोका कोला दी, और बाद में जब यूएस आर्मी ने सभी कंपनीज को सख्त आदेश दे दिए कि जर्मनी के साथ यूएस की कोई भी कंपनी ट्रेड नहीं करेगी, तो इस पर कोका कोला ने जर्मनी से ऑफिशियली रिलेशंस तो तोड़ दिए लेकिन सबसे छुपकर जर्मनी में उन्होंने एक नई कंपनी खोली और जर्मनी के लिए एक नई ड्रिंक बनाई जो सेब के छिलके, चीज, वे और इवन लॉलीपॉप्स के मिक्सचर से बनी थी, और इस ड्रिंक का नाम था फेंटा। धीरे धीरे फेंटा जर्मनी की सबसे पी जाने वाली ड्रिंक बनी और जंग के बाद इस नई कंपनी से जो सारा प्रॉफिट था वो मेन कंपनी कोका कोला के पास गया। इतना ही नहीं, कोका कोला पर एलिगेशंस हैं कि इन्होंने कोक में डल रही कैफीन जब कम पड़ने लग गई तो कोयले से कैफीन निकाली गई। सिटीजन कोक द मेकिंग ऑफ कोका कोला कैपिटलिज्म बुक के ऑथर बार्ट एलमोर लिखते हैं कि जब कोका कोला की डिमांड बढ़ने लग गई तो कोका कोला ने एक कंपनी मॉन्सेंटो के साथ डील की कि वो उन्हें कैफीन और सैक्रीन प्रोड्यूस करके देगी जो उन्हें कोक बनाने के लिए चाहिए था। जब कैफीन और सैक्रीन की डिमांड और बढ़ने लग गई तो अब मॉन्सेंटो कंपनी इस डील को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक नया मेथड यूज किया कैफीन को कोल तार से निकालने का। अगर आप सोचते हैं कि ये वही कोल तार है जो हम रोड में यूज करते हैं तो आप ठीक सोच रहे हैं। अब इस कोल तार से निकली सिंथेटिक कैफीन के एक चम्मच में 28 कप जितना कैफीन था जिससे इंस्टेंट एनर्जी तो मिलती है लेकिन ये वजह बनती है एंग्जाइटी और हाई ब्लड प्रेशर की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉन्सेंटो वही कंपनी है जिसने एजेंट ऑरेंज बनाया था। जिन्हें नहीं पता, तो जब यूएस की वॉर वियतनाम से हो रही थी तो बहुत से यूएस सोल्जर्स इस वॉर में मारे जा रहे थे क्योंकि वियतनामीज पेड़ पौधों के पीछे छुप के गोरिल्ला वॉर कर रहे थे। तो उस वक्त यूएस आर्मी ने मॉन्सेंटो को एजेंट ऑरेंज बनाने के लिए कहा जो कि एक हर्बिसाइड था, और उसके बाद यूएस आर्मी ने इस हर्बिसाइड को अपने एयरप्लेन से वियतनाम में फेंकवा दिया जिससे सारी फसल बर्बाद हो गई और वियतनामीज अब गोरिल्ला वॉर नहीं कर पा रहे थे जिससे यूएस को फायदा हुआ। बट इसका साइड इफेक्ट ये था कि एयरप्लेन से कुछ एजेंट ऑरेंज वियतनामीज के ऊपर भी गिर गया था जिसकी वजह से इनके डीएनए में चेंजेस आने लग गए और धीरे धीरे 300,000 से भी ज्यादा लोग अफेक्ट हुए। किसी की आंख नहीं थी, किसी के हाथ नहीं थे, और इसका असर आज भी वियतनाम के लोगों में देखा जाता है। पर सवाल ये आता है कि अगर एक कोका कोला की बोतल में ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि इसमें 40% शुगर है यानी ऑलमोस्ट कोक की आधी बोतल चीनी है जिसकी वजह से ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट रिलेटेड बीमारियां होती हैं। कलर के लिए इसमें कैरेमल E150D है जिससे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एक ऐसा सब्सटेंस बताया है जो ह्यूमन बॉडी में कैंसर का कारण बनता है। इसमें फिनाइल एलानिन है जिसे अगर ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम किया जाए तो सीजर्स और ऑर्गन फेलियर तक ह्यूमन बॉडी में हो सकते हैं। इसमें सोडियम बेंजोएट है जो अगर विटामिन सी से मिलता है तो ये बनता है बेंजीन, और बेंजीन वही गैस है जो कि पाई जाती है पेट्रोल, पेस्टिसाइड्स और फैक्ट्री से निकलते हुए धुएं में, और ये हमारे ब्लड सेल्स पर अटैक करती है जिसकी वजह से ये धीरे धीरे लिवर, हार्ट और किडनी को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। और कोका कोला की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग इसमें बायोफिनॉल ए है। ये केमिकल कोका कोला ड्रिंक्स में नहीं पर उनकी बॉटल्स और कैंस में पाया जाता है जो ह्यूमन बॉडी के कॉन्टेक्ट में आते ही फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन को मिमिक करता है जिसकी वजह से अर्ली प्यूबर्टी
और मेल में इनफर्टिलिटी होती है। पर सवाल ये है कि आजकल तो इंटरनेट अवेलेबल है, लोग इंटेलिजेंट हैं, फिर भी सरकार इसे बंद क्यों नहीं कर रही है? तो इसका रीजन है कि कोका कोला 3-स्टेप फॉर्मूला यूज करती है। फर्स्ट है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड प्रेस मैनिपुलेशन। मेक्सिको में एक इंसान है विसेंटे फॉक्स, जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था कोका कोला के डिलीवरी बॉय की तरह, और इवेंचुअली वो प्रमोट होते गए और कोका कोला के मेक्सिको डिपार्टमेंट के हेड बने। और अब हुआ ये कि बाद में ये मेक्सिको के प्रेसिडेंट बन गए, और प्रेसिडेंट बनने के बाद मेक्सिको में कोक बनाने के लिए कोका कोला को पानी की जरूरत पड़ी, तो इनकी गवर्नमेंट ने इन्हें 23 वाटर सप्लाईज यूज करने की परमिशन दे दी। इतना ही नहीं, इस अग्रीमेंट के बाद मेक्सिको में एक प्रोग्राम चलाया गया जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी लैंड लेती है तो उसमें आ रही सारी नदियां वाटर बॉडीज भी उन्हीं की होगी, जिसकी वजह से कोका कोला के पास ये भी राइट आ गया था कि वो 8 वाटर बॉडीज में अपना कंपनी का सारा कचरा डाल सकती है। इसकी वजह से आज मेक्सिको के चियापस शहर में पानी इतना गंदा हो गया है कि लोग टैप वाटर यूज नहीं करते। इस पानी में बहुत कचरा है और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसलिए लोग वहां पर कोका कोला ही पीना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर कोका कोला की बॉटल पानी के मुकाबले ज्यादा आसानी से मिल जाती है। जब कोका कोला के ऊपर काफी सारी रिसर्चेस होने लग गई कि इनके ड्रिंक्स पी के लोगों को काफी बीमारियां हो रही हैं, तो इन्होंने GEBN यानी ग्लोबल एनर्जी बैलेंस नेटवर्क को हेविली फंड करना स्टार्ट कर दिया। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम था कि वो ओबेसिटी के ऊपर रिसर्च करें और ये प्रूव करें कि ये सारी बीमारियां खाने की वजह से नहीं बल्कि एक्सरसाइज ना करने की वजह से हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक रिसर्च पेपर है व्हाट इज कॉजिंग वर्ल्ड वाइड राइज इन बॉडी वेट, जिसमें लिखा है कि लोगों का वेट इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वो सुस्त हो रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे। साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि इस रिसर्च की मेन फंडिंग कोका कोला कंपनी से आई है। इसके अलावा 2002 में दिल्ली में सेंटर साइंस एंड एनवायरनमेंट में जब कोका कोला के ऊपर रिसर्च करी गई तो उसमें पेस्टिसाइड्स पाए गए जो इतने हार्मफुल हैं कि वो बर्थ डिफेक्ट और इवन कैंसर तक कर सकते हैं। लेकिन बाद में कोका कोला ने नीदरलैंड की TNO न्यूट्रिशन एंड फूड रिसर्च लैब में इंडिया की कोके सैंपल्स भेजे और इस रिसर्च लैब ने सर्टिफाई किया कि ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल सेफ है और इसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है। कोका कोला का जीतने का सेकंड सीक्रेट है एक्सट्रीम मार्केटिंग। कोका कोला का शुरुआत से बस एक मानना है कि उन्हें प्रोडक्ट्स नहीं एक इमोशन बेचना है, और इसी वजह से वो हमेशा ऐसे आइडियाज के साथ आते हैं जो उनके कस्टमर्स को उनके साथ इमोशनली जोड़ दें। चाहे फिर कोक को दिवाली के इमोशंस के साथ जोड़ना हो या पब्लिक प्लेसेस में लगाई वेंडिंग मशीन जो फ्री कोक देती है उन्हें हक करने पर, या फिर इंडिया में रन किया गया उनका सबसे फेमस कैंपेन जो हमें आज भी याद है, ठंडा मतलब कोका कोला, जिसका मकसद था इंडिया के हर घर में सबकॉन्शियसली ठंडे वर्ड को कोका कोला के साथ जोड़ना, ताकि जब भी कोई बोले आप ठंडा लेंगे या गर्म, तो अगर वो ठंडा बोले तो उन्हें कोक याद आए। इमोशनल बॉन्ड के अलावा कोका कोला एक और चीज में भरोसा करता है और वो है कि उसका प्रोडक्ट जितना ज्यादा दिखेगा उतना ही ज्यादा बिकेगा। तभी तो जिस टाइम में पूरी दुनिया में बाकी कंपनीज सेलिब्रिटीज को प्रोडक्ट एंडोर्समेंट के लिए एक रिस्क समझती थी, तब कोका कोला ने हिल्डा क्लार्क जो कि फेमस अमेरिकन एक्टर और मॉडल थी उसको अपना मार्केटिंग फेस बना दिया। कोका कोला शुरू से चाहता है कि वो USA की टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग से लेके गली नुक्कड़ की एक छोटी सी दुकान तक हर जगह दिखे, और इसी की वजह से 1901 में एडवर्टाइजिंग पर 1,00,000 यानी आज के रुपए के अकॉर्डिंग 27 करोड़ इंडियन रुपीज कोका कोला ने खर्चे, जो कि 1911 तक आते आते $1,000,000 यानी आजकल के रुपए में 250 करोड़ रुपए बन गए। यानी 10 साल में इनका मार्केटिंग स्पेंड 10 गुना हो गया था, और इसी मार्केटिंग की वजह से 1917 तक अमेरिकन 2 मिलियन पर डे कोका कोला कंज्यूम कर रहे थे। पर पिछले साल यानी 2022 में कोका कोला का मार्केटिंग बजट बन गया था $4.6 बिलियन, यानी 3 बुर्ज खलीफा जितना पैसा उन्होंने मार्केटिंग में एक साल में ही खर्च कर दिया। इसी मार्केटिंग की वजह से 1980s में आई FDA की हेल्थ गाइडलाइंस पर किसी का ध्यान गया ही नहीं। इस FDA की गाइडलाइंस में बताया गया था कि एक एवरेज ह्यूमन को दिन में 6 टेबलस्पून से ज्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए, जबकि कोक में 7 टेबलस्पून शुगर थी, जिससे साफ पता चलता है कि मेक्सिको में इतनी डेथ होने के बावजूद भी मेक्सिकन्स कोक को क्यों नहीं छोड़ पा रहे। फाइनली कोक का मेन हथियार है क्रेडल टू ग्रेव स्ट्रेटजी, यानी अपने कंज्यूमर को पैदा होते ही कोक की आदत लगवा दो। इसी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए कोक 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अपना टारगेट बनाता है और उन बच्चों तक पहुंचने का सहारा होता है स्कूल की वेंडिंग मशीन। इस स्ट्रेटजी में कोक ने 10,000 स्कूल्स को $3,000 हर साल देना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से स्कूल की वेंडिंग मशीन में स्कूल वाले सिर्फ कोका कोला के प्रोडक्ट्स ही दिखाएंगे, और इसीलिए धीरे धीरे 12 साल से कम उम्र के बच्चों की फेवरेट ड्रिंक्स कोक बनने लग गई। वेंडिंग मशीन के साथ साथ फ्री कूपन, टेलीविजन एड्स, बोर्ड गेम्स, बार्बी डॉल्स, फ्री बुक कवर्स में भी कोका कोला का लोगो बच्चों को दिखता रहा, जिससे कोका कोला बच्चों का हीरो बन गया। लेकिन जब पेरेंट्स ने कोक को लेके बहुत प्रोटेस्ट किया तो जुलाई 2003 में कोका कोला ने डिसाइड किया कि वो 12 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। पर असल में ऐसा कभी नहीं हुआ और उसने बस अपने क्लासिक कोक को हटा के कूल में अपने दूसरे प्रोडक्ट्स को रखना स्टार्ट कर दिया।
जो था ऑरेंज जूस, फ्लेवर्ड मिल्क एक्सेट्रा, जिसमें कोका कोला से भी ज्यादा चीनी थी। और उन वेंडिंग मशीन्स में उन्होंने एक और प्रोडक्ट रखा जिसका नाम था दसानी। जी हाँ, ये कोका कोला का वही वाटर ब्रांड था जिसे यूके में लॉन्च करते ही वापस भेज दिया गया था, क्योंकि दसानी में ब्रोमेट पाया गया था जो कि एक कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है। वैसे इतनी कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए कोका कोला की तारीफ तो बनती ही है कि लोग मरते रहेंगे लेकिन कोक पीना नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आप नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं, हम गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर 1200 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।